शॉर्ट हैंड डिक्टेशन एक्सरसाइज 50, इसकी स्मार्ट आउटलाइन मैं आपको ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ। आज मैं सिर्फ इसकी डिक्टेशन देने वाली हूँ, तो कोशिश कीजिए कि वर्ड्स को पकड़ के आप अच्छे से लिख पाएँ। पकड़ के का मतलब है आप उनको कैच कर पाएँ और ईज़िली लिख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आशा की जाती है कि राष्ट्रपति को अधिकाधिक चाहने वाले आज प्रातःकाल अपने बाल बच्चे, भाई बहन और बाप दादों को साथ ही साथ लिए बड़ी धूमधाम से राष्ट्रपति भवन में आए होंगे। ऐसे समय में प्रायः यह देखा जाता है कि जनता भी अधिक से अधिक तादाद में जमा हो जाती है। इस बार तो यह सुना जाता है कि गेट पर एक से अधिक पहरेदार एक दूसरे को धक्के देने वाले लोगों को चुपके से तितर बितर कर देते हैं, परंतु जो डील डॉल से साफ साफ भले आदमी मालूम देते हैं उन्हें रोकने की आशा नहीं की जा सकती। इस समय बहुत से लोगों ने राष्ट्रपति का फल फूल तथा अन्य प्रकार की चीज़ों से स्वागत किया। इसका उत्तर देते हुए राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आजकल यह आवश्यक है कि प्रातःकाल होते ही हम देश विदेश के हालचाल पढ़ें। ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं या होती रहती हैं और उनकी खबर भी हाथों हाथ आती ही रहती है। विशेष जांच पड़ताल करने पर पता लगता है कि संसार की सुख शांति उत्तरोत्तर नाश की ओर बढ़ती जाती है। ऐसी दशा में यह तो निश्चित ही है कि भावी वैदेशिक हलचल में भारतवर्ष बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठ सकता। इसी के साथ अब मैं दूसरी डिक्टेशन शुरू करने वाली हूँ। अभ्यास 51 है, 51 एक्सरसाइज है और इसकी भी आपको आउटलाइन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी डिक्टेशन पे काम करते हैं, ठीक है? लिखिए। वैसे तो बहुत से लोग राष्ट्रपति की हैसियत से भारत के बड़े बड़े शहरों में समय समय पर भ्रमण करते रहे हैं, परंतु पंडित जी ने ही सर्वप्रथम रातों रात और दिनों दिन गांवों में घूमकर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तूफानी दौरा किया है। सर्वसाधारण जनता में पहले पहल कांग्रेस का बिगुल फूंकने का श्रेय इन्हें दिया जाए तो अनुचित ना होगा। गरीब किसानों ने पहले ही से सिर्फ जवाहरलाल जी का नाम सुना था, परंतु जब तक वे उनके बीच में नहीं गए थे तब तक वे बेचारे ना उन्हें
समझते थे और ना कांग्रेस को। पंडित जी की बात बात में जादू का असर है, अतः इनकी बातें सुनकर पहले तो वे लोग एकाएक बहुत अचंभे में पड़ गए, परंतु सचमुच भारत हमारा और हम भारत के हैं, कम से कम वे समझने तो लगे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके बगैर हम पशुओं से भी खराब हैं। टंडन जी ने भाषण देते हुए कहा कि जहां तहां से दिन व दिन आने वाली खबरों से मालूम होता है कि आगामी युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वर्ष दूर है, इसलिए भारत को सबसे पहले हिंदू मुसलमान के झगड़े को खत्म करना चाहिए। हिंदू मुसलमान यह जानते हुए भी अभी तक ज्यों का त्यों 36 का नाता बनाए हैं। दूसरी बात है खादी और देसी माल को व्यवहार में लाने की, जिसके बगैर हमारे देसी धंधे नहीं पनप सकते, उसके बगैर हम सच्ची आज़ादी भी नहीं हासिल कर सकते। कैसी रही आपकी डिक्टेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ये एक बिगनर स्पीड थी, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोला था मैंने, तो कितने वर्ड्स आपने किए हैं उनको करेक्ट ज़रूर कीजिएगा, मतलब आप उनको एग्जामिन ज़रूर कीजिएगा कि आपसे डिक्टेशन में कितने वर्ड छूटे हैं। बेसिकली जब हम बहुत रनिंग करते हैं ना तो एक आउटलुक बन जाता है, हम ये एनालाइज़ कर लेते हैं कि हमारा 1 वर्ड छूटा है, 2 वर्ड छूटे हैं, बट अभी आपकी वो स्टेज नहीं है, तो ये धीरे धीरे मेंटेन होगा। तो अभी आप इस डिक्टेशन को करके देखिए और मुझे बताइए आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है आपकी शॉर्ट हैंड में। और वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग।